मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। अब ब्रेक के बाद आइए रुक करते हैं आज की चर्चा का। जैसा हमने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी के मंच पर G20 में भारत की प्राथमिकताओं को स्वीकार किया गया और डिजिटल इंडिया की ताकत को सराहा भी गया, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष। कहता है G20 डिजिटल इंडिया दिखा रहा विश्व को राह। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमित दुबे, जो एक्सपर्ट हैं डिजिटल फोरेंसिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी मैटर्स पर। हमारे साथ शुभमय भट्टाचार्य जी भी जुड़े हैं, आप वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, आप सीनियर इकोनॉमिस्ट भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन जाहिर है दुबे जी कि सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी इस बात को कि आज जो कंसेंसस बना डिजिटल इंफ्रा को लेकर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा मुद्दा रहा है जो प्रधानमंत्री के दिल के बहुत करीब रहा जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से इसीलिए उन्होंने जब प्रधानमंत्री बने उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया। लेकिन आज जो बात स्वीकार की गई कि भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सोच को स्वीकारता मिली, क्या ये तकनीक के लोकतांत्रिकरण की प्रधानमंत्री की सोच को ही रेखांकित करता है कि भारत आज अपने उदाहरण से साबित कर पाया है कि डिजिटल इंडिया सबके लिए काम कर सकता है? देखिए, भारत ने लगातार प्रूव किया है। जब प्रधानमंत्री जी ने विजन देखा था 10 साल पहले और कि डिजिटल ट्रांजेक्शन होंगे, तो लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया था। कई लोगों ने कहा था कि भारत में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, या उनके पास अकाउंट ही नहीं है, या उनके मोबाइल फीचर फोन है सारे, स्मार्टफोन कैसे देंगे आप, ये सारे सवाल उठे थे। आज आप देखेंगे तो 45% डिजिटल ट्रांजेक्शन दुनिया में भारत से होते हैं। 45% मतलब इस हद तक हम आगे जा चुके हैं। चाइना भी बहुत पीछे है, बाकी देश तो बहुत ही ज्यादा पीछे। और उस वजह से जो हमारे GDP में सीधे सीधे रिफ्लेक्शन हुआ उस इकोनॉमी का, 10 रुपए भी कोई आदमी देता है तो वो भी हमारे GDP में रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ भाई ये इकोनॉमी का पार्ट है। पहले इस चीजें सब छुपी हुई होती थी, तो इस वजह से एक बहुत कॉन्फिडेंस आया भारत के ऊपर लोगों को कि हाँ यहाँ पर बिजनेस किया जा सकता है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी अच्छी है और डिजिटल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। बैंडविड्थ देखिए हमारी सबसे अच्छी है बैंडविड्थ, आप मोबाइल के कंज्यूमर देखिए सबसे ज्यादा है विश्व में, भारत में स्मार्टफोन कंज्यूमर सबसे ज्यादा है और हम मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। तो इस वजह से ओवरऑल जो सिस्टम है इतना पॉजिटिव बन चुका है कि दुनिया देख रही है कि हम भारत का जो मॉडल है वो फॉलो करें। अब हम बाकी देशों को ये चीज दे सकते हैं, उनको भरोसा दे सकते हैं, चाहे वो कोविड के टाइम पे आपने देखा हो जो हमारा डिजिटल जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था वो देखिए, वो सब चीजें लोग कॉपी करना चाहते हैं। और इस वजह से G20 में जो ये मॉडल लाया गया है इसकी इसको एक्सेप्ट किया गया और हर आदमी चाहता है कि वहां पे भी डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़े, वहां पे भी वो चीज इनके इकोनॉमी का पार्ट बने। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई साइबर क्राइम तो कहीं से भी हो जाता है, ऐसे में ये देश सामने आते हैं और हाथ मिलाते हैं तो क्रिमिनल फिर कहीं पर भी हो आपस में जो तालमेल होगा उस वजह से उनको पकड़ा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये जो अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी है भारत के लिए और बिल्कुल सही दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जी शुभमय जी, अभी हमने देखा जब कैबिनेट के भी फैसले आए थे तो उसमें ये बात भी सामने आई थी कि हम कुछ IT लोगों को ट्रेन करेंगे डेटा सुरक्षा को लेकर या साइबर सुरक्षा को लेकर। और आज हमने देखा कि G20 के मंच पर भी डिजिटल सुरक्षा एक महत्वपूर्ण ऐसा पहलू रहा भारत की ओर से रखा गया, जिसको आउटकम डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया है। जब सरकार ये कहती है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स देंगे जहां ऑर्गेनाइजेशंस सॉल्यूशंस तैयार कर सकेंगे लोगों की और डिजिटल समस्याओं के इत्यादि, क्या भारत की ये पहल ही है जो आगे बढ़कर अन्य लोगों के लिए भी एक सोच का मंच भी तैयार करती है कि डिजिटल सुरक्षा हो या डेटा सुरक्षा हो? क्योंकि G20 को लेकर दिसंबर में ही भारत ने डिजिटल इनोवेशन अलायंस भी लॉन्च किया, स्टे सेफ ऑनलाइन भी एक लॉन्च किया गया कैंपेन, यानी भारत की सोच कह सकते हैं विश्व को दिशा दिखाती हुई। बेसिकली ममता जी, G20 के मंच पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी का जो पहल भारत की तरफ से किया जा रहा है वो काफी सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि डेटा के ऊपर दुनिया का क्या राय होगा इस पर G20 अब से ही नहीं, ओसाका जापान में भी आज से 3 साल पहले भी इस पर काफी डिस्कशंस हुआ था और भारत का तब भी पॉइंट यही था कि डिजिटल सेक्टर को, डिजिटल इंडिया या डिजिटल आपके डिजिटल गवर्नेंस की जो चीज है वो ग्लोबल कॉमन्स में आना चाहिए, यानी कि उससे आम जनता को बेनिफिट सबसे ज्यादा होनी चाहिए और इससे और ये उस खर्च पे आना चाहिए जो कि गरीब देशों के लिए सहायक हो। तो आप अगर देखेंगे कि भारत की जो डिजिटल इंडिया के तहत
जो चीजें किए गए हैं, जिसका शुरुआत हुआ था जनधन अकाउंट से, बट आज जो ई कॉमर्स, जो हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, जो हम ONDC या इवन गतिशक्ति में भी बहुत सारी चीजों में जो डिजिटल स्किल्स, डिजिटल के सहायता से बहुत सारे चीजों को हम समावेश कर रहे हैं, ये सारे एक 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 सीक्वेंस में चल रहा है, एक से एक सक्षम दाई पे तरफ चल रहा है। और इसलिए ही भारत का आवाज आज बुलंद है कि डिजिटल गवर्नेंस का जो रूपरेखा भारत ने बनाया है वो दुनिया के लिए बहुत ही कारगर सिद्धांत और कारगर, जैसे कहते हैं, इनोवेशन की तरफ से के रूप में आया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने आज इस पर काफी जोर से चर्चा की। इसके पहले भी डिजिटल हेल्थ के ऊपर उन्होंने इस बारे में चर्चा की है, और ये सारी चीजें हमारे हमारे जो जो डायरेक्शन है उसको दिखाता है। जी अमित दुबे जी, जब हम बात करते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, इससे जो वंचित लोग होते हैं, जो वंचित तबका होता है, उसको सबसे ज्यादा फायदा होता है, किफायती सुविधा मिलती है उन्हें, उससे महिलाएं बड़ी तादाद में शामिल होती हैं। आपको अगर सिंपल भुगतान करना है, कहीं ऋण उठाना है इत्यादि, ये या बचत करनी है, तो इसमें ये बहुत उनको किफायती तरीके मिलते हैं उनके लिए। ऐसे में जब भारत कहता है कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ है, विश्व ये बात मानता है कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ है, भारत कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम का हमारा मंत्र है G20 पर, भारत ये कहता है कि हम जो कर रहे हैं, हमारी तकनीक या हम जो समाधान लाते हैं पूरे विश्व के लिए कारगर साबित हो सकता है, ऐसे में G20 के मंच पर इस तरह की पहल को लाना कि हम भी तैयार हैं, G20 और अन्य देश भी आए, वैश्विक समाधान होने चाहिए, वैश्विक व्यवस्थाएं बननी चाहिए, वैश्विक स्तर पर नीतियां बननी चाहिए, यह सोच कहां तक आगे बढ़ाई जानी जरूरी है, और कैसे भारत इस सोच के माध्यम से विश्व स्तर पर सबको राह दिखाता नजर आता है। बिल्कुल, इससे पहले जितने भी G20 समिट हुए हैं उसमें नॉर्मली जो पॉलिसीज होती थी वो आम आदमी तक पहुंचे, ऐसी कोई बात नहीं डिस्कस होती थी जिसका इम्पैक्ट सीधे आम आदमी को होगा, एंड यूजर को होगा। जो टॉप लेवल इंटरनेशनल इश्यूज हैं, चाहे वो टेररिस्ट को लेकर हो या दूसरे इश्यूज हैं, वो डिस्कस होते थे। इस बार जो आप देखेंगे, पूरे जब G20 की अध्यक्षता मिली भारत को, तब से आप देखेंगे तो जो हर चीज इनिशिएट हो रही है वो सीधे सीधे आम आदमी को इम्पैक्ट करती है। यहाँ पर भारत ये रोल मॉडल बना है क्योंकि भारत के ऊपर लोगों को भरोसा बन गया है, वो देख रहे हैं कि हाँ भाई, भारत की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, भारत का जो गरीब तबका है उसकी इकोनॉमी, उसकी आय में बढ़ोतरी हुई है, करीब 3 गुनी हो गई उसकी आय। भारत में पिछले 5 सालों में एक बड़े प्रतिशत लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर लेके आए हैं, तो ये सीधे सीधे इम्पैक्ट देख रहा है, जिसमें लोगों को 50-50 साल लग गए, 40-40 साल लग गए, तब भी वो ये अचीव नहीं कर पाए। भारत ने ये पिछले 8-10 साल में जो भी अचीव किया है वो डेटा सीधे सीधे दिख रहा है, उस वजह से वो मॉडल अपनाना चाह रहे हैं। पहले हर कोई झिझकता था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोग उतना कन्वीनियंट फील नहीं करेंगे, सेफ नहीं है, पर जब भारत ने प्लंज ले लिया और उसका रिजल्ट देखने लगा तो आप लोग उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। पहले लोगों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि आपको रोड बनाने में टाइम लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज बनाने में टाइम लगता है, अभी मोबाइल से कनेक्टेड है, इंटरनेट गांव-गांव में पहुंचा हुआ है, पहाड़ों पर भी है, तो हर आदमी उस चीज को यूज करके ना सिर्फ अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकता है, बल्कि हर तरह एजुकेशन में बहुत इंपैक्ट हुआ है, हेल्थ केयर में बहुत इंपैक्ट हुआ है। तो आप देखोगे जो आम आदमी से जुड़ी चीजें हैं उनको लेकर डिस्कशन शुरू हो गए, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की वजह से सब संभव हुआ। और दूसरा आप देखेंगे कि क्योंकि ई गवर्नेंस में जब डिजिटलाइजेशन यूज होता है तो उसकी वजह से ना सिर्फ करप्शन कम होता है, उसकी वजह से बहुत सारे इंपैक्ट जो डिलेड हो जाते थे आम आदमी तक पहुंचने में, वो क्विक हो जाते हैं, तुरंत आ जाते हैं। आज आप देखिए, आप एक ट्वीट कर देते हैं तो उसका रिजल्ट तुरंत देखने को मिलता है और वो कोई भी कर सकता है। तो ये जो इम्पैक्ट है ये बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो आज लोग समझ रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, ये जो पिछले 5 सालों में हुआ। अदरवाइज ये चीजें बहुत बड़ी लगती थी कि क्या कोई G20 का डिस्कशन इस चीज पर हो सकता है कि आम आदमी को सीधे इंपैक्ट करे। मेरे ख्याल से ये पहली बार हो रहा है और इसके लिए जो भी भारत को इसका श्रेय जरूर दिया जाना चाहिए कि एक आम जन के लिए जो जरूरी है उसको वैश्विक मंच तक, उस सोच को वैश्विक मंच पर लेकर आया है भारत। लेकिन शुभम जी, अंत में जाते जाते जब हम बात करते हैं G20 के डिजिटल इकोनॉमी समूह की बातों की या उनका जो एजेंडा सामने है, उसमें MSME के वित्त बाधाओं को दूर करना, डिजिटल इकोनॉमी के माध्यम से ही इस तरीके की समस्याओं को दूर करना, ये भी एजेंडे में रहे, इन पर भी चर्चाएं हुई हैं। कहां तक आपको लगता है कि G20 के माध्यम से भारत अपनी ताकत तो दिखा ही रहा है, लेकिन जब PM आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात को भी साथ में जोड़ते हैं तो आधुनिक तकनीक के साथ विश्व के साथ आगे बढ़ने को भी भारत तैयार नजर आता है?
नहीं, इसमें भारत विश्व के साथ भारत की बढ़ने की चीज को मैं नहीं कहूंगा, मैं इसको उल्टी तरह से कहूंगा कि भारत जिस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी को सामने किया है उसी कदम को लेकर दुनिया भारत के साथ चलने के लिए अभी चल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। भारत को किसी दूसरे देश का मॉडल की हम साथ में लेकर चलेंगे डिजिटल में, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि दुनिया में कई जगह पे, ज्यादा से ज्यादा जगह पे भारत के जो डिजिटल इनोवेशन का जो एक विस्तृत क्षेत्र बना हुआ है और इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स, इतने सारे चीजें किए गए हैं, उन सबको कितना अच्छी तरीके से दुनिया के और देशों में इसको पिरोया जाए, इसको इसमें नया स्टार्टअप किया जाए, वो एक वर्ल्ड के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया एक तरह का लैबोरेटरी बन गया है डिजिटल माध्यम के लिए। जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने कहा जी कि डेवलपमेंट ऑफ भाषिनी AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म। अब भारत में भाषिनी जैसे चीज, जो लैंग्वेज के हमारे भारत में इतने तरह के भाषाएं हैं उसके बीच में जो काम करेगा, उससे जो निष्कर्ष निकलेगा, इस तरह का अपॉर्चुनिटी या इस तरह का माहौल किसी भी जगह में शायद ही कहीं हो। यानी भारत तो, की ओर से जो डिजिटल समाधान और डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो आगे कदम बढ़ाए गए हैं, पहल लाई जा रही हैं, वो तो विश्व को दिशा दिखा ही रहे हैं, अन्य देश भी उसका उपयोग करना चाहते हैं और इसमें रुचि भी दिखाई जा रही है। UPI का पेटेंट जापान में आ गया है, तो इस तरीके की पहल तो दिखती है, लेकिन साथ ही साथ जो आधुनिक तकनीक की मैं बात कर रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके नए आयाम, इनको लेकर विश्व को भी सोचना है कि इसके खतरों से सावधान रहते हुए इसका सही उपयोग किया जाए। फिलहाल मैं दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहें न्यूज नाइट, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या है गुरुग्राम से लेकर हिमाचल तक का हाल, दिखाएंगे बारिश और बाढ़।